रतलाम झाबुआ लोकसभा में अब चौथे चरण में मतदान होना है। इस लोकसभा सीट पर अब अंतिम दौर में भाजपा कांग्रेस में तगड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और जहां कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगाकर आम जनता से वोट की अपील कर रही है, तो वहीं भाजपा अपने विकास कार्यों की लिस्ट और आगे किए जाने वाले कार्यों को लेकर जनता को लुभाने में लगी है। रतलाम पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने हवाई चप्पल से लेकर हवाई जहाज तक पर जीएसटी लगा दिया है और महंगाई बेरोजगारी पर भाजपा चर्चा नहीं करती। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि आपके नेता संविधान बदलने के बयान दे रहे हैं, यह बाबा साहेब अम्बेडकर के सीने पर सामने से छुरा घोंप रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा नेता कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप अपनी सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के युवाओं को रोजगार देने और स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे विकास के कामों की चर्चा कर रहे हैं और इन विकास कार्यों में युवाओं को करोड़ों की सहायता देने की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने जितने काम करे हैं, मेक इन इंडिया का नारा दिया, मेक इन इंडिया का नारा सीधा आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है कि जो भारत के चीज हम बना सकते हैं भारत में उत्पादन करें, और भारत में उत्पादन का मतलब साफ है कि यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे, बाजार कैसे विकसित कर सकते हैं और उसमें कितनी पूंजी की आवश्यकता है, उस पूंजी की व्यवस्था भी हमने करी है कि राज्य सरकार वो केंद्र सरकार ने तो इसके लिए एक बहुत बड़ी राशि 10,000 करोड़ की राशि का प्रावधान आप लोगों के लिए रखा है कि कोई भी युवा नया आइडिया लेकर के आएगा तो उसे पूंजी के रूप में हम 10,000 करोड़ की राशि से सहयोग करेंगे। देखना यह है कि दोनों ही दल भाजपा और कांग्रेस अपने अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच कितनी साख बना पाते हैं और इन बयानों को देखते हुए अब परिणामों पर ही निगाहें भी बड़ी उत्सुकता से सभी की टिकी हुई हैं, क्योंकि परिणाम भी बड़े रोचक देखने को मिलेंगे। चप्पल से लेकर के हवाई जहाज तक सरकार ने जीएसटी लगा दिया है, तो देश के प्रधानमंत्री महंगाई पर एक शब्द नहीं बोलते, बेरोजगारी पर यह सरकार नहीं बोलना चाहती है, आर्थिक विषमता पर यह नहीं बात करना चाहते। चीन की बात करने वालों को मैं पूछना चाहता हूं कि आपने लाल आंखें दिखाने का वादा किया, क्यों नहीं दिखा रहे आप लाल आंखें, उल्टा आप उनके साथ में झूले झूलते हैं। मेरा प्रधानमंत्री से आप ऊपर आरोप है कि आपके नेता लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं और खुलेआम कह रहे हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, हम 400 पार इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि हमें संविधान बदलना है। ये रोज ताल ठोक के कह रहे हैं कि हमें 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि हमें देश का संविधान बदलना है। तो प्रधानमंत्री साहब, जो आप कह रहे हैं कि पीठ में छुरा घोंपने की बात कर रहे हैं, आपके नेता बाबा साहब अंबेडकर की जो विचारधारा है उसके सीने में सामने से छुरा घोंप रहे। रतलाम जिले के देवला मार्ग पर एक ऑटो पलट गया। ऑटो में 13 लोग सवार थे। क्षमता से ज्यादा यात्री बैठा कर ले जा रहा ऑटो चालक शराब के नशे में था। ऐसे में अनियंत्रित होकर ऑटो सड़क नीचे जाकर पलटी खा गया। इस दुर्घटना में 5 लोगों को गंभीर चोट आई, जिनका इलाज राउटी अस्पताल में जारी है। बता दें कि लगातार इस तरह से आए दिन ओवरलोडिंग, 2 ऑटो और ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की दुर्घटना हो रही है। 2 दिन पहले ही ऑटो पलटने से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। परिवहन विभाग यातायात पुलिस का इस ओर ध्यान नहीं है। सर, यह घटना क्या हो गया? घटना थाने पे सूचना मिली थी कि एक ऑटो बैरूगढ़ी पे पलट गया है, तो वहाँ हम लोग पहुँचे। मैं वो दिवंजी जगदीश, मैं अपने जो वाहन से थाने के वाहन से मोबाइल से वहाँ पहुँचे, ऑटो को देखा तो ऑटो में एक व्यक्ति ही थे वो, तो जिनको बाहर करा और हॉस्पिटल पहुँचवाया है। गंभीरा पिता पूंजा जाति बसुनिया, ये जामपाड़ा के हैं, और एक और महिला थी, उनको भी भिजवाया ऑटो में, है ना। ये घाटी उतरते ही मैं ऑटो पलटा है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जन्मोत्सव 9 मई को कॉलेज रोड स्थित श्री श्रद्धा सबूरी टी स्टॉल पर सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल सिंह गहलोत मित्र मंडल द्वारा श्रद्धा के साथ हर्षोल्लास से मनाया गया।
जब तक सूरज चांद रहेगा और महाराणा प्रताप अमर रहे, उद्घोष के साथ महाराणा प्रताप की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके जीवन की प्रेरणादायक जानकारियां साझा कर उनके आदर्शों पर चलने का प्रण लिया। तत्पश्चात मिठाई वितरित की गई। गरिमामय उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित हुआ। पार्षद प्रतिनिधि इक्का बैलूत, विनोद राठौड़, जोय पारिफ, विक्रम चौहान, चंदन राठौड़, हिम्मत जेथवार, शैलेंद्र सिंह देवड़ा, रमेश परमार, सत्यनारायण परमार आदि उपस्थित थे। आ जाओ।